प्रिय छात्रों सुभाषिस तथा अभिभावक बंधु को नमस्कार। इस लॉकडाउन में हम आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया चल रही है। पहले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रकाश के बारे में बताया था, ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आप लोगों को प्रकाश किरण के बारे में बताएंगे। प्रकाश किरण जानते हैं क्या होता है। प्रकाश जिस माध्यम में चलता है उस माध्यम में दो बिंदुओं के बीच प्रकाश जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी माध्यम में संचरित होता है तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच प्रकाश जिस पथ का अनुसरण करता है जिस पथ पर चलता है उस पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण के बाद हम प्रकाश पुंज को जानेंगे क्या होता है। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं इसको जानेंगे। लाइट बीम प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी अगर कई प्रकाश किरण एक साथ होंगी यानी प्रकाश किरण का जो समूह होता है उसको हम प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। पहला जो है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज तथा तीसरा जो है समांतर प्रकाश पुंज। अब अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे यानी अगर कई प्रकाश किरणें अनेक दिशाओं से किसी एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कई प्रकाश किरणें या प्रकाश किरणों का जो समूह होता है वह किसी एक बिंदु पर इकट्ठा होती है तो इस प्रकार की प्रकाश पुंज को हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। उसके बाद से दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। यानी अगर प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से कई दिशाओं में जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी इसको कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। इसके बाद से समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। यानी जब प्रकाश की किरणों के बीच यानी हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं यानी उनके बीच का जो दूरी है सदैव एक बराबर हो तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज। एक बार और इसको जान लेंगे प्रकाश के साथ किरण किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है तो उस माध्यम के किसी दो बिंदुओं पर के बीच प्रकाश जिस पथ का अनुसरण करता है जिस मार्ग से गुजरता है उस मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। उसके बाद प्रकाश पुंज से आप क्या समझते हैं, लाइट बीम से क्या समझते हैं, प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। यानी अभिसारी,
अपसारी तथा समांतर। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, यानी कई प्रकाश किरणें जब एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं या इकट्ठा होती हुई प्रतीत होती हैं, इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, जब कई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं, तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और समांतर प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, जब दो प्रकाश किरणों के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, वे प्रकाश की किरणें कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड के परीक्षाओं में अक्सर पूछता है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। अगला जो हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन को जानने के लिए एक चित्र बनाते हैं। इसमें यम1 तथा यम2 एक समतल दर्पण है, जिस पर एक प्रकाश की किरण AB आपतित होती है, क्योंकि यह गिर रही है, आ रही है, इसलिए इसको हम आपतित किरण कहते हैं। और बी पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, जिसे अभिलंब कहते हैं, और प्रकाश किरण इस सतह से टकराती है और टकराकर लौट जाती है, यानी इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई से लिखते हैं, इसे हम कहते हैं आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आर से लिखते हैं, इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। अब इसको जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आती है। प्रकाश के इस प्रकार के घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में चित्र में प्रदर्शित है परावर्तन, ये भी एक प्रकाश की किरण है जो आपतित होती है, समतल दर्पण M1 M2 से टकराती है, तो वह लौट जाती है, वापस लौट जाती है। इस प्रकार के घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन जो होता है वह तल पर निर्भर करता है, यदि तल चिकना है तो उस पर परावर्तन जो होगा पूर्ण होगा, यानी उस प्रकार के इस प्रकार के परावर्तन को हम कहते हैं वास्तविक परावर्तन। यदि तल खुरदुरा होगा तो परावर्तन जो होगा आंशिक रूप से होगा, इस प्रकार के परावर्तन को हम कहते हैं आंशिक परावर्तन। एक बार और जान लेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से वह आती है,
प्रकाश के इस प्रकार की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के लिए आवश्यक फिगर यहाँ पर प्रदर्शित है, इसे हम देख रहे हैं। परावर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? वास्तविक परावर्तन। वास्तविक परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो वह पूर्ण रूप से वापस लौट जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण परावर्तन कहते हैं। जबकि प्रकाश की किरण जब किसी खुरदरे तल पर पड़ती है तो वह आंशिक रूप से वापस लौटती है। इस प्रकार के परावर्तन को आंशिक परावर्तन। इसके बाद परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम ला आ रिफ्लेक्शन। परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का दो नियम है। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिगर से देख लेंगे, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है? आपतन कोण यानी आई परावर्तन कोण यानी आर सदैव बराबर होते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण बराबर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। ये प्रकाश का परावर्तन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये जानेंगे। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है? इसमें हम कांच का टुकड़ा बुझा लेते हैं और उसको हम कट कर देते हैं। अब काटने के बाद इसके एक पृष्ठ को जो है हम पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं। तो इस प्रकार जो प्राप्त होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसका एक पृष्ठ पेंट कर दिया जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला जो है अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोली दर्पण कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। दूसरा उत्तल गोली दर्पण कॉन्वेक्स स्फेरिकल
मीरा। अब देखिए अवतल गोलीय दर्पण क्या होता है, तो जो कांच का पुतला गोला होता है उसको काटते हैं और उसके कटे हुए भाग के अगर हम ऊपरी दृश्य को कलई करते हैं, पेंट करते हैं, यानी परावर्तन की जो घटना है वह दबे हुए भाग से हो या परावर्तक पृष्ठ जो है वह दबा हुआ भाग हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं अवतल गोलीय, अवतल गोलीय दर्पण, यानी वह दर्पण जिसमें परावर्तन की घटना दबे हुए भाग से होता है, उसका ऊपरी भाग पेंट कर दिया जाता है, अवतल गोलीय दर्पण कहलाता है। दूसरा उत्तल गोलीय दर्पण किसे कहेंगे, वह इसके विपरीत है, वह दर्पण जिसका दबा हुआ भाग पेंट कर दिया जाता है तथा परावर्तन की घटना उभरे हुए भाग से होती है, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल गोलीय दर्पण कहते हैं। आज के लिए इतना ही। पिछले वीडियो में हम प्रकाश के बारे में बताए थे, इसमें दर्पण तक हुआ है। हमें विश्वास है कि प्रिय छात्र आप लोग घर पर अध्ययन कर रहे होंगे और घर पाठ्य पुस्तक से आप दर्पण के उपयोग को पढ़ेंगे और उसको याद। धन्यवाद।